डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल टॉर्च की चर्चा करने आ रहा हूं। ये फॉर्मल टॉर्च बीएससी केमिस्ट्री के प्रथम सेमेस्टर में इंक्लूडेड है, साथ ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है। बीएससी वन के सेमेस्टर वन में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें फॉर्मल टॉर्च की चर्चा इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल लेकर करनी है, साथ ही साथ आइंस पर भी इसकी चर्चा करनी है। तो पहला मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फॉर्मल चार्ज में जिन जिन इंटरमीडिएट्स की चर्चा करनी है उसके नाम हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रिन और बेंजाइन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसमें फॉर्मल चार्ज की गणना करनी है। साथ ही साथ कुछ आयंस का एग्जाम्पल भी लेकर के फॉर्मल चार्ज की चर्चा करनी है। यहाँ पर मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि फॉर्मल चार्ज का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी लोड कर रखा है, नोटिफिकेशन भी हो चुका है एक साल पहले ही। आप फॉर्मल चार्ज पढ़ते समय उस वीडियो का भी संदर्भ लीजिएगा, उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, केवल आयनिक आयंस पर ही या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेकर के ही उसे एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वह कन्फाइंड है रिएक्शन इंटरमीडिएट पर एफसी की चर्चा करना और आयंस पर फॉर्मल चार्ज की चर्चा करना। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं डिफिनीशन बताऊँगा कि इसकी डिफिनीशन क्या है फॉर्मल चार्ज की, इसका कैसे फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन किया जाता है और साथ ही साथ फॉर्मल चार्ज कितने प्रकार का होता है, और तब मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पर अप्लाई करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने है फॉर्मल चार्ज, ये पार्ट टू है, असाइनमेंट ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट एंड आयंस, ऑन इंटरमीडिएट्स एंड आयंस। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। डिफिनीशन, किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारे आइटम्स होते हैं या मॉलिक्यूलर आयंस में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उन प्रत्येक आइटम पर कौन सा चार्ज है उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फिर रिपीट करता हूँ कि मॉलिक्यूल्स में, चाहे वो मॉलिक्यूलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हों अथवा चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हों, मॉलिक्यूलर आयंस हों, उनके प्रत्येक आइटम पर जितना चार्ज होता है उसे ही फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है, चार्ज कैप्ट बाय एन आइटम इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन इज नोन एज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज शॉर्ट में एफसी। चार्ज केप्ट बाई एन आइटम इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन, एफ सी यानी फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड एज
एफ सी इज इक्वल टू, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज आपको मालूम करना होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वी एस सी का मतलब है ऑफ एन एटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फार्मूला है। वैलेंस वी एस ई का मतलब है वी एस ई वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सुविधा के लिए मैं आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कुछ बता देता हूं। नेम ऑफ या एलिमेंट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज वन, कार्बन फोर, नाइट्रोजन फाइव, ऑक्सीजन सिक्स, कोई भी हैलोजन हो, हैलोजन एक्स मीन्स हैलोजन इट इज सेवन, सल्फर इट इज सिक्स एंड सो ऑन, ए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है ए नेम ऑफ द एलिमेंट। अब ये फॉर्मल चार्ज कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ फॉर्मल चार्ज या काइंड ऑफ फॉर्मल चार्ज, टाइप्स ऑफ फॉर्मल चार्ज, द फॉर्मल चार्ज मे बी जीरो, फॉर्मल चार्ज मे बी जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तीन तरह के फॉर्मल चार्ज एटम पर हो सकते हैं। फॉर्म टाइप्स ऑफ फॉर्मल चार्ज, किसी भी एटम पर जीरो फॉर्मल चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखना है। जीरो पर ध्यान विशेष रखना है क्योंकि आप चार्ज केवल पॉजिटिव और नेगेटिव जानते हैं, जीरो चार्ज भी कंसीडर किया जाता है फॉर्मल चार्ज के कैलकुलेशन में। अब हमको जो बताना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जानना है कितने तरह का है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लेकर के समझाना है, जो सिलेबस का पार्ट है। इसे जो हमको बताना है आज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट, वो इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट्स, फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट। हम वन बाय वन एग्जांपल लेकर समझाएंगे। जैसे पहला इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन सिंपल एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट मेंबर कार्बोकेटाइन का है, मेथाइल केटाइन इसको बोलते हैं, मेथाइल केटाइन है, ये कार्बोकेटाइन लेकिन बोलेंगे मेथाइल केटाइन क्योंकि कार्बन स्केलेटन क्या है, कार्बो का मतलब कार्बन स्केलेटन, इसमें मेथाइल है इसलिए इसको बोलेंगे मेथाइल केटाइन।
जैसे ये आपका हो गया एच एच एच, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बोकेटायन है या कार्बोनियम आयन। इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को इसको नंबर वन कर दीजिए, इसको हाइड्रोजन नंबर वन, हाइड्रोजन नंबर टू कर दीजिए, इसको हाइड्रोजन नंबर थ्री कर दीजिए। कार्बन अकेला है इसलिए कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मल चार्ज उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो एफ सी ऑन कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कैसे करेंगे? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फोर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला सब में एग्जिस्ट करेगा, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको बार बार नहीं मेंशन करेंगे, यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? फोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, कार्बन की चारों तरफ कितने बॉन्ड हैं? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, थ्री बॉन्ड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? प्रत्येक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे आपको मालूम है, तो हाफ कर दीजिए। और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स तीन हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या सिक्स हो गई, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, कार्बन पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो एफ सी क्या होगा? एफ सी बराबर हो गया, फोर हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस जीरो हो गया, तो एफ सी बराबर हो गया वन आ गया। वन के ऊपर कोई साइन नहीं है इसलिए क्या है, पॉजिटिव। वन के पहले कोई साइन नहीं है इसलिए कार्बन पर जो एफ सी है वो वन है, ये कार्बन पर क्या हो गया, वन हो गया। आप प्लस ऐड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आया नंबर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए देखिए वही फार्मूला लगेगा, एफ सी फॉर हाइड्रोजन, फॉर्मल चार्ज फॉर, फॉर नहीं होगा, ऑन होता है, एफ सी ऑन एच, एच वन कर दीजिए, फार्मूला वही लगाइए। बैलेंस सेल में ये एच वन है, बैलेंस सेल में वन इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक बॉन्डिंग पेयर है, तो हाफ हो जाएगा, हाफ गुणे टू हो जाएगा, कोई लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, वन माइनस वन, वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वन माइनस वन बराबर जीरो हो गया। फिर देख रिपीट करता हूँ, ये हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, वन लिख दिया, और इसे जुड़ा हुआ एक ही बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड की संख्या एक है, तो इसको हाफ, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो हो गए, तो यहाँ टू हो गया, माइनस जीरो हो गया, तो इस पर आपका एफ सी क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ का एफ सी इस पर जीरो हो गया, जीरो। और नंबर टू पर देखिए, नंबर टू पर, नंबर टू के लिए यही फार्मूला लगेगा, इस पर भी एच टू पर भी एफ सी फॉर्मल चार्ज जीरो होगा, अगेन जीरो। और इस हाइड्रोजन नंबर थ्री पर देखिए क्या होगा, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, टू वाला भी हो गया जीरो, अब थ्री का नंबर आता है, तो थ्री के लिए यहाँ पर थ्री कर दीजिए। अब हाइड्रोजन थ्री पर बैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर दो, दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू है, इसका हाफ कर दीजिए, वन कर दीजिए, अगेन आएगा रिजल्ट जीरो हो गया। तो ये कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल है मिथाइल केटाइन पर। अगर हम इसको मिथाइल एनाइन कर दें तो दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा, जिसको हम कार्बेनाइन कहते हैं। आप इसको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं,
इसी फार्मूले का यूज करेंगे। मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, नंबर टू कार्बेनाइन पर। कार्बेनाइन जिसके कार्बन पर एनाइन होने निगेटिव चार्ज हो, तो इसके लिए इसका नाम मिथाइल तो मिथाइल ही रहेगा, तो एक कार्बेनाइन सिंपल नाम तो लिखना पड़ेगा मिथाइल कार्बेनाइन। नंबर टू मिथाइल कार्बेनाइन मिथाइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज हो उसको मिथाइल कार्बेनाइन कहते हैं। ये CH3 है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है। अब इसमें सिचुएशन ऐसे ही होगा, अगर हम इसका चार्ज केवल हटा दें, यहाँ पर हम शेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दें और निगेटिव चार्ज मेंशन कर दें, तो ये मिथाइल जो कार्बेनाइन है तो इसका नाम होगा मिथाइल कार्बेनाइन, तो कहेंगे एक्चुअल नाम होगा मिथाइल एनाइन। इसका नाम टेक्निकली इट इज मिथाइल एनाइन है, मिथाइल एनाइन टेक्निकल नाम इसका है, इन जनरल इसको मिथाइल कार्बेनाइन बोलते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका फार्मूला वही यूज होगा, ये सेम फार्मूला हमने नंबरिंग कर दिया है, 1, 2, 3 आई जी टीज रहेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। तो फार्मल चार्ज का फार्मूला वही यूज करिए, VSC माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कार्बन का पहले देखते हैं, फार्मल चार्ज ऑफ सी करता हूँ, फार्मल चार्ज ऑन सी, ये कार्बन अकेला है इसलिए सी का ऐसा लिख दिया, फार्मूला वही लगेगा। तो FC बराबर, ये बराबर कर दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 बॉन्ड इसके जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, तो 3 बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, माइनस इसके ऊपर कार्बन पर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ लिख दीजिए 2, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, 2 लिख दीजिए। अब इसकी देखिए क्या होता है, 4 हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, तो इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होगा वो माइनस 1 होगा। आप यहाँ पर माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 आ गया। तो ये दिस इज फॉर्मल चार्ज ऑन सी। और हाइड्रोजन का जब करते चले जाएंगे सिमिलरली, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम आएगा, 0-0 सब में आएगा। इन एवरी केस यू फाइंड दैट फॉर्मल चार्ज इज 0, फॉर्मल चार्ज हियर इज 0 एंड फॉर्मल चार्ज इज 0। ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन ठीक वैसे ही है, हाइड्रोजन लगा दीजिए जैसे फॉर्मल चार्ज ऑन H1 कर दीजिए, H1, तो इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, 1 है, हाफ यहाँ पर एक बॉन्ड पे बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन का हाफ कर दीजिए, यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो आंसर इज 0। तो सिमिलर ट्रीटमेंट H2 के लिए भी कीजिए और H3 के लिए भी कीजिए, इन बोथ केसेस फॉर्मल चार्ज इज 0, दिस इज 0, एट इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। अब इसी क्रम में मैं सेम पैटर्न पर हम कार्बन फ्री रेडिकल पर एक बता देता हूँ, कार्बन फ्री रेडिकल तीसरा नंबर आता है, थर्ड पर कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में होगा क्या कि कार्बन पर ये CH3 है, मिथाइल का एग्जाम्पल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बोला जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल।
मिथाइल फ्री रेडिकल है, इस पर कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। नाम है इसका मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे ठीक ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर हम इसको दो टू इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं और कैलकुलेशन इसका वैसे ही करेंगे। ये एफ सी सेम है तो अब हम कार्बन का करते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, तो यहाँ कार्बन रख दीजिए। कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, फोर होगा, लिख दीजिए फोर होगा। कार्बन के साथ वैलेंस तीन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, वन टू थ्री, नम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिक्स हो गए, यहाँ पर सिक्स कर दीजिए। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस वन कर दीजिए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन है तो ये कर दीजिए। अब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ये फोर हो गया, वैलेंस सेल में फोर इलेक्ट्रॉन हो गया, तीन बॉन्ड इसे जुड़े हुए हैं तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका हाफ होना है तो फोर ये हो गया, इसका हाफ करेंगे तो थ्री होगा, इसका हाफ करेंगे तो थ्री होगा, तो इसका नंबर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इज जीरो, दिस इज जीरो जीरो। जैसा आप जानते हैं कि पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, तो उसके लिए निगेटिव और पॉजिटिव साइन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आप भरी बात जानते हूँ। बाकी अब यहाँ पर मैं इसी को कोई चेंज नहीं होगा, इसको मैं लिख देता हूँ इस पर ऐसे करके, यहाँ भी जीरो होगा, जीरो। तो इसमें इस मिथाइल रेडिकल पर, फ्री रेडिकल पर सब आइटम्स ऐसे हैं जो कि ऑल और जीरो स्टेट इन रिफरेंस टू फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में सबका जीरो जीरो है। सिमिलरली वैसे फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन वन टू थ्री का करेंगे, एक मैं दिखा देता हूं। फॉर्मल चार्ज यहां पर देखता हूं क्या होता है, वन हो गया, हाफ हो गया इसका बॉन्ड, तो एक बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस वन होगा। अब देखता हूं क्या आता है इसमें, तो बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन वन हो गया, एक बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक बॉन्ड है, एच वन करता हूँ इसको एच वन, और एक अनशेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस वन कर दिया, वन हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस वन हो गया, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, माइनस वन होगा, फॉर्मल चार्ज माइनस वन। एच वन पर फॉर्मल चार्ज माइनस वन, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये हाइड्रोजन है, इससे जुड़ा हुआ है, इसके बैलेंस सेल में वन इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है, टू इलेक्ट्रॉन से हाफ हो जाएगा, और सॉरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, और इसके पास ये जीरो है, एच के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो, और यहाँ वैल्यू भी आएगी जीरो, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, जीरो हो गया जीरो। ऐसा तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन्स हैं H1, H2 एंड H3, तीनों का जो कैलकुलेशन होगा वो सेम होगा, H1, H2, H3 तीनों केस में जीरो जीरो वैल्यू आएगी, यहाँ भी वन है तो इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये माइनस वन का लेटर, ये भी हाइड्रोजन का जीरो हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, वेर इज माइनस, ये हाँ ये कार्बन का है ना, तो कार्बन के केस में देखता हूँ क्या था, कैलकुलेट करता हूँ, कार्बन के केस में अगेन जीरो, देख लेता हूँ, फोर हो गया, फोर माइनस थ्री पॉइंट ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, हाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो होगा। तो इन दिस मॉलिक्यूल एवरी एटम इज इन जीरो फॉर्मल चार्ज स्टेट।
तो ये भी हो गया खत्म। अब कार्बन फ्री रेडिकल के बाद नंबर आता है, एक इंटरमीडिएट है फोर्थ नंबर का, नाइट्रीन आता है, चौथा इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। मैं एक अल्काइल नाइट्रीन का एग्जांपल लेता हूँ, नाइट्रीन भी इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन्स जिसमें है नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। नाइट्रीन में हम लेते हैं मेथाइल नाइट्रीन का एग्जांपल, मेथाइल नाइट्रीन। वैसे नाइट्रीन ग्रुप तो ये है होता है, ऐसे करें यन है और यच है, इसको हम नाइट्रीन बोलते हैं, लेकिन हम इसके अंदर सी एस थ्री जोड़ कर बताएंगे, इसका नाम हो गया मेथाइल नाइट्रीन। ये फार्मूला हो गया, ये नाम हो गया, ये फार्मूला हो गया मेथाइल नाइट्रीन। इसके अंदर सब देखा जाए क्या होता है, पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं सी या कैसे करते हैं, इसका नंबर वन, दिस इज नंबर टू हाइड्रोजन, दिस इज नंबर थ्री हाइड्रोजन, फिर ऐसा, फिर ये ऐसा, ये नंबर फोर हाइड्रोजन। तो चार हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक कार्बन है। अब इसमें कैलकुलेशन करता हूँ, सेम फार्मूला यूज होगा, एफ सी ऑफ, पहले मैं नाइट्रोजन जो हिटोएटम है नाइट्रोजन को टेकअप करता हूँ, एफ सी ऑन फॉर्मल चार्ज एंड नाइट्रोजन, ऑन नाइट्रोजन, तो एफ सी बराबर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन जो है कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, टू बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाफ टू बॉन्ड में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कर दिया माइनस, इसके ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दो काउंट हो जाएगा टू, तो क्या हो जाएगा फाइव माइनस टू माइनस टू, रिजल्ट आएगा प्लस वन, ये प्लस वन हो गया नाइट्रोजन पर। ये नाइट्रोजन प्लस वन स्टेज में है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, देखिए इसके दो बॉन्ड इधर हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में है, इसलिए सिक्स इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इससे फॉर्मल चार्ज से भी पता चला कि इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो प्लस वन है, तो दिस इज प्लस वन, ये फॉर्मल चार्ज हो गया। अब नाइट्रोजन का खत्म हो गया, अब हमको देखना है हाइड्रोजन्स का, इसमें चार हाइड्रोजन्स हैं, अगर एक वन बाय वन सबका करना है तो एक इन्वायरमेंट में वन टू और थ्री हैं, तो वन टू एंड थ्री का तो एक ही साथ टिकअप कर लेंगे, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एच वन एक ही इन्वायरमेंट में है, एच टू एंड एच थ्री का एक साथ टिकअप हो जाएगा, एक साथ टिकअप करेंगे तो हम एच वन का कंसीडर करेंगे क्योंकि सभी एक ही इन्वायरमेंट में है, एफ सी ऑफ ऑन एच वन, इसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, एच के पास एक बॉन्ड है तो हाफ उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो हैं, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता, इसलिए वन माइनस वन बराबर जीरो होगा, तो ये सभी वन टू थ्री सब पर जीरो ही आएगा, तो आप चाहें ऐसे कह सकते हैं फॉर्मल चार्ज जीरो जीरो हो गया, इस पर भी जीरो फॉर्मल चार्ज जीरो, इस पर भी जीरो फॉर्मल चार्ज, क्योंकि सभी एक ही एनवायरनमेंट में हैं, वन टू थ्री हाइड्रोजन्स कवर हो जाएगा, नाइट्रोजन का चर्चा कर लिया है। अब चौथे का देखिए, क्योंकि इसके साथ सिमिलर ए भी है, एक ही बॉन्ड पेयर इसके पास भी है और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं एच फोर का हाइड्रोजन नंबर फोर, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर, तो इसको एच फोर का ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसका भी जीरो ही होगा, जीरो फॉर्मल चार्ज। अब क्या बचा, कार्बन बचा,
फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। अब कार्बन में वैलेंस सेलेक्ट एफ सी ऑन कार्बन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, माइनस हाफ है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। माइनस अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कार्बन पर भी जो फॉर्मल चार्ज होगा दिस इज 0। तो इसमें जितने भी एटम्स हैं सबका फॉर्मल चार्ज 0 है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उसका जो फॉर्मल चार्ज है वो +1 है। तो कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल और एक लास्ट में है बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। फाइव नंबर पर आता है बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट। यह भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता है। बेंजाइन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। अब इसको हम कैसे लिखें, बेंजाइन का लिखने के लिए हम प्लेन ऐसे लिख देंगे, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और दो डबल बॉन्ड होते हैं, ये बेंजाइन है, बेंजाइन है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको फार्मल चार्ज निकालने में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा तोड़ के लिखूंगा इसको ऐसे ओपन करके, क्योंकि हाइड्रोजन भी इसमें छिपा हुआ है। ऐसे ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ये बेंजाइन है। इसमें पहले हम इसको कंसीडर करते हैं ये कार्बन नंबर 1 को, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज 6। ये 6 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। अब इनका फॉर्मल चार्ज निकाला जाए तो कार्बन नंबर 1 से शुरू करते हैं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है ध्यान रखिएगा, केवल 4 बॉन्ड्स हैं। तो फॉर्मल चार्ज इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा, यहां से सब हट सकता है क्या? फॉर्मल चार्ज ऑन C1 पर फॉर्मल चार्ज, तो वही फार्मूला एफ सी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस सब पर लागू होगा। एक बार लिख दिया अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन का है, C1 का है, तो C1 के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ हो गया, और कितने बॉन्ड्स हैं 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पर क्या होगा 4 माइनस 4 माइनस 0 बराबर 0। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है 0 हो गया। अब देखिए जिस एनवायरनमेंट में एक C1 है उसी एनवायरनमेंट में C2 भी है, जिस एनवायरनमेंट में C1 है उसी एनवायरनमेंट में C2 भी है, क्योंकि यहाँ भी CH है यहाँ भी CH है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही पाएंगे, इसका भी 0 हो गया। यही फार्मूला लागू होगा जो लागू हुआ है, आप इसको चाहें तो C2 कर दीजिए और जोड़ दीजिए 0 आ जाएगा। अब C3 का नंबर है, अब C3 में भी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
फोर बॉन्ड हैं, टू बॉन्ड इधर हैं, एक इधर, इधर फोर बॉन्ड हो गए, तो यही फार्मूला लागू होगा C3 के लिए भी। C3 के लिए भी सेम फार्मूला, कोई चेंज नहीं है, रिजल्ट इसका भी जीरो आएगा। इस C3 का भी रिजल्ट जीरो आएगा। अब C4 का नंबर है, यहाँ हम C4 कर देते हैं, कैलकुलेट कर लीजिए, सेम चीज मिलेगा, इसका भी जीरो ही आएगा, C4 का जीरो आएगा। अब हम C5 के लिए कर देते हैं, C5 के लिए तो सेम इन्वायरमेंट में है, चार बॉन्ड फोर बॉन्ड ये भी है, 1 2 3 4 नो लोन पेयर, फार्मूला ही लागू होगा, इसका वैल्यू जीरो हो गया, तो इसको भी हम जीरो कर दीजिए। और 6 में भी जीरो आएगा, 6 में भी हम यहाँ 6 कर देते हैं, फार्मूला सेम है, बॉन्ड की संख्या सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, अगेन जीरो इसका भी हो गया। तो अभी इस तरह से सभी 6 कार्बन एटम्स का फॉर्मल चार्ज जीरो है। तो लिख सकते हैं ऑल दी 6 कार्बन्स ऑफ बेंजाइन कैरी जीरो फॉर्मल चार्ज FC। ऑल दी 6 कार्बन ऑफ बेंजाइन कैरी जीरो फॉर्मल चार्ज। एंड व्हाट अबाउट दी हाइड्रोजन? अब इसके पास 4 हाइड्रोजन हैं, सबका एक ही है फॉर्मल चार्ज, सेम फॉर्मल चार्ज, एक का मैं कैलकुलेट 3 का कर देता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन CH को अगर हम 1 2 3 कर दें, इसको भी 1 2 3 कर दें, 1 नंबर का हाइड्रोजन, 2 नंबर का हाइड्रोजन, 3 नंबर का हाइड्रोजन और 4 नंबर का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सब सेम है, इसमें भी एक का कैलकुलेट करता हूँ। H1 का देखिए फार्मूला वही होगा, H1 का जो फार्मल चार्ज है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 हो जाएगा, माइनस बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, जीरो है, न लोन पेयर जीरो है, इसलिए 1 - 1 बराबर जीरो हो गया। तो जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, ऑल द 4 हाइड्रोजन्स कैरी जीरो, H1, H2 और H3 तीनों के लिए, एंड H4 चारों के लिए सेम फार्मूला यूज होगा, तो इसमें जीरो आ रहा है, तो इसको भी आप सब जीरो कर लीजिए, जगह नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिटा करके, ऑल द 4 हाइड्रोजन्स, ऑल द 4 हाइड्रोजन्स कैरी जीरो फॉर्मल चार्ज, ये हो गया। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मल चार्ज डिस्कस हो गया। अब कुछ आयंस का बताना, तो जो एक आयंस का बताता हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन आयंस, फॉर्मल चार्ज ऑन आयंस, फॉर्मल जो चार्ज ऑन आयंस, ये सिलेबस का पार्ट है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का एक पार्ट है, फॉर्मल चार्ज ऑन आयंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ आयंस पर फॉर्मल चार्ज का डिस्कशन दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। आज नया आयन बना दे रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तरफ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ICl2 आयन, ICl2 पॉजिटिव हो गया। तो ये 3 आयन का हम डिस्कशन कर लेते हैं।
तो फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ अमोनिया में वर्णन कर फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ अमोनिया माइन, तो इसमें अमोनिया माइन में स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिना लिखे आप फॉर्मल चार्ज डिस्कस नहीं कर सकते। ये इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है स्ट्रक्चर इसका। अब इसमें नाइट्रोजन वन है, हाइड्रोजन नंबर वन, हाइड्रोजन नंबर टू, हाइड्रोजन नंबर थ्री और हाइड्रोजन नंबर फोर हो गया। फोर हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन। तो पहले मैं चर्चा करूँगा यह फॉर्मल चार्ज ऑन एन, नाइट्रोजन की चर्चा करूँगा। एफ सी बराबर हो गया, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके, फाइव हैं, वही फार्मूला। कितने बांड से जुड़ा हुआ, फोर बांड से जुड़ा हुआ है, तो एक एट इलेक्ट्रॉन्स हो गया। प्लस नहीं माइनस, अनशेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो हम करेंगे फाइव माइनस फोर हो गया, माइनस अनशेयर्ड कुछ नहीं है, जीरो है, इसका क्या हो गया, प्लस वन हो गया। तो नाइट्रोजन पर जो फॉर्मल चार्ज है, दी फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज प्लस वन, ऐसा दिस इज प्लस वन। अब सभी एक ही एनवायरमेंट में हाइड्रोजन हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और किसी के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक ही फार्मूला लागू होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, सब पर एक ही लागू होगा, सेम फार्मूला। तो अब हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन है, और माइनस हाफ हो गया, एक ही बॉन्ड पेयर, एक ही बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर एक ही है, टू कर दिए दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इसके पास नहीं है, जीरो है, इसलिए इसका क्या आएगा, वन माइनस वन बराबर जीरो होगा। तो सभी ऑल दी फोर हाइड्रोजन कैरी लिख सकते हैं, ऑल दी फोर हाइड्रोजन्स कैरी जीरो फॉर्मल चार्ज, जीरो फॉर्मल चार्ज, आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नंबर है हाइड्रोनियम आयन का, तो फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मल चार्ज इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इस पर एक लोन पेयर रहता है, इसका स्ट्रक्चर भी वैसे ही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, नहीं ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर है, ऐसा ये पॉजिटिव चार्ज रहता है यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर तो मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूँ, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी, और उसका शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, वो सब्जेक्ट नहीं है बताने का। अब हमको हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन नंबर वन, हाइड्रोजन नंबर टू, हाइड्रोजन नंबर थ्री, सभी एक ही एनवायरमेंट में है, सभी सिंगल बॉन्डेड है। ऑक्सीजन को देखिए, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की गणना करेंगे, तो इसको फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस हाफ हो सिक्स हो गया, और कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं, माइनस टू कर दीजिए, क्या हो गया, सिक्स हो गया, थ्री हो गया, माइनस टू हो गया, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन,
तो इस पर जो फार्मल चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर जो फार्मल चार्ज होगा ये प्लस वन होगा, प्लस वन। अब हाइड्रोजन एक ही एनवायरमेंट में है, सिंगल बॉन्डेड है ये, और सबके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सबका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो सेम होगा। फॉर्मल चार्ज ऑन एच वन एच टू एच थ्री सिमिलर होगा सबका। तो देखिए फॉर्मल चार्ज में कैसे लगेगा, फार्मूला तो यही है, फॉर्मल चार्ज। अब ये वैल्यू बदल लेगी, फार्मूला एग्जिस्ट करेगा ऑन एच वन एच टू एच थ्री, तीनों पर एक ही होगा, तो वन माइनस हाफ बॉन्ड, इस आयरन से एक ही बॉन्ड है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन दो हो गया, टू हो गया, माइनस कोई अनशेयर इलेक्ट्रॉन है जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन बराबर जीरो का। तो ऑल हाइड्रोजन कैरी लिख सकते हैं, ऑल हाइड्रोजन्स, ऑल हाइड्रोजन्स कैरी जीरो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ये भी काम खत्म हो गया। अब आ गया आयोडीन का नंबर आईसीएल टू का, तो केटाइंस और नेन फर्स्ट की कहानी आप जानते होंगे कि केटाइंस और नेन फर्स्ट, तो इसमें आईसीएल में केटाइन ये है आई है, तो आयोडीन डाइक्लोराइड हो गया, आयोडीन डाइक्लोराइड हो गया, ये दिस इज आयोडीन डाइक्लोराइड आयन है, आई सी एल टू आयोडीन डाई क्लोराइड आयन हो गया। इसका स्ट्रक्चर जानना चाहिए, स्ट्रक्चर रेस्पर थियरी के आपको पढ़ा दिया गया है, बताया हूँ, ये रहेगा इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू होंगे ऐसे, इस पर तीन लोन पेयर है, इसके ऊपर तीन लोन पेयर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, पार्टिकल चार्ज इधर है। और फार्मल चार्ज आयोडीन का सबका ऑक्टेट भी पूरा है, क्योंकि फार्मल चार्ज निकालने के लिए जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है सबका ऑक्टेट दिखाना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। केटाइंस और एनायंस केटाइंस के केस में या कुछ केसेस को छोड़ करके, तो फॉर्मल चार्ज ऑन आयोडीन, फॉर्मल चार्ज ऑन आयोडीन एटम क्या होगा, तो यहाँ पर एफ सी बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फार्मूला तो वही होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। आयोडीन के केस में बैलेंस सेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ कर दीजिए, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ यह हो जाए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फोर, और फिर इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं तो इसको फोर अनशेयर्ड बोलेंगे ऐसा, तो सेवन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस फोर हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस वन। आयोडीन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, प्लस वन होगा, आप मैं यहां लिख देता हूँ, फॉर्मल चार्ज हो गया प्लस वन। अब सीएल का देखिए, दो सीएल हैं, दोनों का एनवायरमेंट सेम है, दोनों एक बॉन्ड जुड़े हुए हैं, दोनों में तीन थ्री पेयर्स अनशेयर्ड है, तो दोनों के केस में हम अगर मान लीजिए इसको वन कर देते हैं, इसको टू कर दीजिए, दोनों का एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ जो आयोडीन है यहाँ पर लिख लें सी सी एल वन एंड सी एल टू हो जाएगा, सेम इन्वायरमेंट है, तो इसका एफ सी वैसे ही होगा, सेवन इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल में क्लोरीन के भी होते हैं, और एक बॉन्ड एक ही बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ टू इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन टू टू वन सिक्स है, एक किस कर लीजिए, तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ माइनस सिक्स हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, जीरो आएगा।
रिजल्ट दिस इज जीरो। तो देख सकते हैं बोथ सीएल बोथ क्लोरीन एटम्स कैरी जीरो फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो ये सफिशिएंट है, फॉर्मल चार्ज की मैंने गणना किया, जो आपके सिलेबस का पार्ट था उसको कवर कर लिया। आयन को मैंने अपने मन से लिख दिया, आप और भी डिस्कवर करके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।